शहर का चूहा और गांव का चूहा। एक शहर का चूहा एक रिश्तेदार से मिलने गया था जो गांव में रहता था। रात के खाने में बीन्स, बेकन, पनीर और रोटी, सब कुछ उन्होंने बहुत खुश होके पेश किया। शहर का चूहा बहुत कम खा रहा था, इसमें से थोड़ा और उसमें से थोड़ा। गांव के चूहे को महसूस हुआ कि शहर के चूहे को खाना पसंद नहीं आया। खाने के बाद शहर के चूहे ने अपने शहर की जिंदगी के बारे में बात किया, जबकि गांव का चूहा उत्साहित होके सुन रहा था। तब वे एक आरामदायक घोंसले में बिस्तर पर चढ़ गए और शांत और आराम से सो गए। उसकी नींद में गांव के चूहे ने शहर के जीवन के सभी विलासिता और प्रसन्नता का सपना देखा जो उसके दोस्त ने उसके लिए वर्णित किया था। तो अगले दिन जब शहर के चूहे ने गांव के चूहे को अपने साथ शहर बुलाया तो वो बहुत खुश हो गया। जब वे हवेली में पहुंचे जिसमें शहर के चूहा रहता था, तो वहां मेज पर उन्हें एक अच्छा गुलदस्ते का छत्ता दिखा। मिठाई और जेली, पेस्ट्री, स्वादिष्ट चीजें, वास्तव में सबसे आकर्षक भोजन दिखाई दिया जो एक चूहा कल्पना भी नहीं कर पाता था, और ये सब देख के चूहा बहुत खुश हो गया। लेकिन जैसे गांव के चूहे ने पेस्ट्री खाना शुरू किया, उसने एक बिल्ली की मूस हल्के से सुना और दरवाजे पर खरोंचने की आवाज। डर के मारे दोनों चूहों ने छुपने के लिए एक जगह ढूंढना शुरू किया। वे दोनों लंबे समय के लिए बहुत बड़े मुश्किल में पड़ गए थे। आखिरकार जब वे बाहर आ गए, अलविदा चचेरे भाई, गांव के चूहे ने कहा। क्या इतनी जल्दी में जा रहे हो? शहर के चूहे ने पूछा। गांव के चूहे ने बताया, हाँ, डर के मारे केक खाने से बेहतर है शांति में बीन्स और बेकन खाना। गांव का चूहा अपना घर वापस चला गया और लंबे समय तक शांति का जीवन जी रहा था। हाय दोस्तों, क्या आपको ये वीडियोस अच्छे लगे? क्या आपको और चाहिए? हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखिए, यहाँ क्लिक कीजिए और देखिए और सारे सिंग सॉन्ग राइम्स।